तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल इलियास में फिर से आपका वेलकम है। दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज वीडियो का ट्यूटोरियल किस तरह का होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो इंस्टाग्राम के रील पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, ये वीडियो टिकटॉक पर भी बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है। आप इस तरह की वीडियो बना के टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम के रील पर वायरल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप सभी देख लें हमारी वीडियो का ट्यूटोरियल किस तरह। बेवफा, क्या तुझे जरा भी शर्म आती है? बेवफा, क्या तुझे जरा भी शर्म आती है? घड़ी मुझे गिफ्ट करके वक्त किसी और के साथ बिताती है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, वीडियो को जरा से स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। और दोस्तों, इस वीडियो में जिस मटेरियल का यूज करने वाला हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैंने ये दो वीडियो बनाई है जो कि सभी आपको थंबनेल नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई वाले बटन में इसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर दे सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक, ताकि आने वाली हो वीडियो भी आप तक आराम से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम बिना बहस के अपने बैलेंस की तरफ चलते हैं। अपनी तरफ आ चुका हूँ, आपको कहना उसको डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना होगा और यहाँ से टिकटॉक वाला फ्रेम सेलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे क्रिएट। और दोस्तों, इसके बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो वीडियो आपने शूट की होगी। तो मैंने वीडियो किस तरह शूट की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी ये वीडियो है दोस्तों, आपने जब वीडियो को शूट अपने मोबाइल को उल्टा पकड़ लिया, यानी कि कैमरा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों, मतलब आप वीडियो पर क्लिक करें, यहाँ पर आप जाएंगे रोटेट में और इसको दोस्तों आपने सीधा कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आप जाएंगे बैक जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से जाएंगे एडजस्ट में और दोस्तों, इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा हाई कर देंगे और सैचुरेशन में जाएंगे, इसको भी हाई कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ से कर देना है बैक करने के बाद दोस्तों, मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ आपको, आपको वीडियो किस तरह से शूट करनी है। दोस्तों, वीडियो शूट करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपको मोबाइल हिलना नहीं चाहिए। और दोस्तों, आपने थोड़ी सी वीडियो जूम करके बनानी है, मैंने जल्दबाजी में ये वीडियो बना ली थी ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद दोस्तों, आपने आगे जाना है, यहाँ पर आपने बैकग्राउंड को चेंज करना है, तकरीबन इस पोजीशन पर आपने आना है। एक मतलब आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ जाना कैंची वाले ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ से कर देना स्प्लिट, ये वीडियो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ से कर देना बैक करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ जाना फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों, आपने जाना बेसिक में जाने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना है और दोस्तों, यहाँ पर आपने ब्लू वाला इफेक्ट लगा देना है, इसको मैं लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपने इसके ओपेसिटी को तकरीबन 80 पे कर देना है, इसको मैं कर देता हूँ। ये करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से कर देना बैक करने के बाद दोस्तों, मतलब फिर से कर देंगे बैक। और दोस्तों, यहाँ से जाएंगे लेयर में जाने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से जाएंगे गैलरी में। इसके बाद दोस्तों, आपने इस वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इसको थोड़ा सा कर देंगे जूम करने के बाद दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमें क्रॉप वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों, इसको कर देंगे ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कर देंगे क्रॉप। इसके बाद दोस्तों, इसको तकरीबन 10-15 पे रख देंगे, इसको मैं कर देता हूँ। और यहाँ से कर देंगे बैक करने के बाद दोस्तों, इसको कर देंगे जूम। ये करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद दोस्तों, आपने थोड़ा सा नीचे जाना जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों, आपने इसको हार्ड लाइट कर देना है। हार्ड लाइट करने के बाद दोस्तों, ओपासिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे हम, आप अपनी वीडियो के हिसाब से कर लेना। ये करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ से कर देना बैक करने के बाद दोस्तों, इस वीडियो को डायरेक्शन जो है हम वीडियो के आखिर तक कर देंगे जितनी हमारी वीडियो होगी। ये करने के बाद दोस्तों, आपने बैक आना है जहाँ पर हमने इस बैकग्राउंड को ऐड किया हुआ है, तो तकरीबन इस पोजीशन पर हम आएंगे। और यहाँ से दोस्तों, हम लेयर में फिर जाएंगे, लेयर में जाने के बाद दोस्तों, गैलरी में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अपने रेन वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर दूँगा ओके करने के बाद दोस्तों, इसमें जो सा फालतू केस है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से वीडियो शुरू होती है, एक मतलब कैंची वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको कर देंगे ट्रिम लेफ्ट और इसको फिंगर से प्रेस करके रखेंगे और इसको पीछे को ले आएंगे जहाँ पर हमने बैकग्राउंड को ऐड किया हुआ है। ये करने के बाद दोस्तों, एक मतलब हम रेन वाली वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों, हमें स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली हम इसमें जाएंगे और उसको यहाँ से कर देंगे फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से जाएंगे बैक जाने के बाद दोस्तों, इसके वॉल्यूम में जाएंगे और इसके वॉल्यूम को हम बंद कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से नीचे फिर जाएंगे, यहाँ पर अगेन ब्लेंडिंग में फिर जाएंगे। तो मैं ब्लेंडिंग में चले जाता हूँ और इसको दोस्तों, हम यहाँ से कर देंगे स्क्रीन और इसको ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, 90 कर देंगे और यहाँ से कर देंगे बैक। इसके बाद दोस्तों, अपने यहाँ से पीछे फिर आ जाना है जहाँ पर हमने बैकग्राउंड को ऐड किया हुआ है तकरीबन यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों, हम जाएंगे लेयर में जाने के बाद दोस्तों, हम गैलरी में जाएंगे और दोस्तों, यहाँ से हम बिजली वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इसको कर देंगे फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग में और इसको भी यहाँ से कर देंगे स्क्रीन और उसको यहाँ से कर देंगे बैक करने के बाद दोस्तों, अभी वीडियो में हमने स्लोमो लगाना है, तो स्लोमो जहाँ पर हमने लगाना है हम उस पोजीशन पर जाएंगे, तकरीबन इस पोजीशन पर आएंगे, एक मतलब वीडियो पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से जाएंगे कैंची वाले ऑप्शन में, यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, ये वीडियो 200 में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूसरे हिस्से पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑडियो ऑप्शन मिल जाए, सिंपली हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। इस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को जो ऑडियो है वो निकल के बाहर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद दोस्तों अपनी वीडियो पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे स्पीड में और इसको 0.5 पे कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, और दोस्तों जितना हमारा म्यूजिक होगा इस वीडियो को हम उतना कर देंगे, हम इसको इतना ट्रिम कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों वीडियो हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। बेवफा क्या तुझे जरा भी शर्म आती है, बेवफा क्या तुझे जरा भी शर्म आती है, घड़ी मुझे गिफ्ट करके वक्त किसी और के साथ बिताती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी है। तो वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों हम यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट में और यहाँ से पिक्चर को HD में सेलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे सेव, जिससे कि वीडियो हमारी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से वीडियो को शूट करना है और किस तरह से वीडियो को एडिट करना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल कर दे सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो भी आप तक आराम से पहुंच सके। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस वीडियो पे चाहिए, उस वीडियो का ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।